Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all the concept of ECCE, that is Early Childhood Care and Education, with special reference to CWSN, that is Children with Special Needs, in accordance to NEP 2020. Okay, so let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन जो ये कंसेप्ट आया ECCE, ये कब आया, क्यों ज़रूरी है, इसके पहले इस पर बात नहीं होती थी. रीसेंट कंसेप्ट है, बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है. ये कैसे निकल के आया, जब ये पाया गया कि द फर्स्ट सिक्स ऑफ लाइफ आर क्रिटिकल ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये पाया गया, रिसर्चर्स ने ये बताया कि ये जो शुरुआती 6 साल होते हैं मनुष्य के जीवन के, वो बहुत क्रिटिकल होते हैं. Since the rate of development in these years is more rapid than at any other stage of development. क्योंकि जिंदगी में फिर कभी हमारा इतना विकास नहीं होता है जितना कि प्रथम 6 वर्षों में होता है. Research in neuroscience confirms the importance of the early years in a child's life, particularly since 90% of brain development has already taken place by the time a child is 6 years of age. यानी कि न्यूरोसाइंस में जो रिसर्चेज हुई हैं, जो अनुसंधान हुए, उन्होंने बताया कि ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली ईयर्स, ये जो प्राथमिक वर्षों की महत्ता है बच्चे के जीवन में, वो कितनी महत्वपूर्ण है. आप इसी से समझ सकते हैं कि बच्चे के ब्रेन का 90% विकास 6 साल तक की उम्र तक हो जाता है. यानी कि आप इसी वक्त उसे गढ़ सकते हैं वो क्या बनना चाहता है, क्या अच्छाई है उसमें आपको पता चल सकता है. Research also indicated that the development of brain is influenced not only by health, nutrition and quality of care, but also the quality of psychosocial environment the child is exposed to in these early years. मतलब researchers ने ये भी बताया है कि जो मस्तिष्क का विकास है वो सिर्फ बच्चे के स्वास्थ्य, उसको क्या आप खिला पिला रहे हैं, कितना आप उसका ध्यान रख रहे हैं, इस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि जो उसका psychosocial environment है, यानी कि किस प्रकार के environment में वो रहता है, सामाजिक एनवायरनमेंट क्या, उसके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, कैसे उसे बातचीत करते हैं, ये भी प्रभाव डालता है. ECCE makes a positive contribution to children's long-term development and learning by facilitating and enabling and stimulating environment in these foundation stages of lifelong learning. तो जो ECCE का कंसेप्ट आया कि हम अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब कि बच्चे का हम पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल रखेंगे, उसको शिक्षा देंगे अच्छी, उसने कहा कि एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और लर्निंग, हम उसको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देंगे, बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जिससे कि आगे की जर्नी भी उसकी लाइफ लॉन्ग उसका बढ़िया रहे, हिसाब किताब. ठीक है, तो भारत में कब आया ECCE का कंसेप्ट? The earliest formal documentation of preschool or early childhood education as an organized initiative in India dates back to the later half of the 19th century when Giju Bhai Badheka and Tarabai Modak, among others, became the pioneers of this movement in the country. Influenced by Madam Montessori's visit to India, they established preschool education centers in Gujarat. Yani ki Madam Montessori jab Bharat aayi, aapko pata hi hai ki Montessori ji ka kitna kaam hai unka primary education pe, तो उनके काम से प्रभावित होके गुजरात में गीजूभाई बडेका और ताराबाई मोडक ने ये पहले जो है प्री स्कूल एजुकेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए, है ना. द नॉमेनक्लेचर ECCE फाउंड इट्स ड्यू प्लेस इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया इन 1986 व्हेन एन एक्सक्लूसिव चैप्टर ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज डिवोटेड टू इट. और ये जो नामकरण आया है ECCE का, ये अपना पहला स्थान पाता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 1986 में आई थी उसमें, क्योंकि ये पहला पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जब हम पहली बार ECCE का नाम देखते हैं अपने किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में. This policy emphasized the joyful nature of ECCE, especially for the 3 to 6 year olds, and discouraged any formal instruction of the 3 hours at this early stage of education. तो इस पॉलिसी ने कहा कि एकदम जॉयफुल नेचर रखिए आप पढ़ाई लिखाई का, या जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चे को, और स्पेशली 3 से 6 साल तक के बच्चे को कोई भी 3 hour मत सिखाइए आप. 3 hour क्या है? रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक. उसको पढ़ना, लिखना और गणित का ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने. मतलब उसके बाद फॉर्मल स्कूलिंग शुरू होनी चाहिए. तो NPE 1986 ने और क्या क्या कहा है ECCE पे, कि द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन स्पेशली एम्फेसाइजेस इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द यंग चाइल्ड, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन इन विच फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स प्रीडोमिनेट. वो कह रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द यंग चाइल्ड, मतलब बच्चे को पहले ही उतना उसको बढ़िया वातावरण दे दीजिए, और खासतौर से उन बच्चों को जो पहली बार पढ़ने निकले हैं अपने घरों से,
Recognizing the holistic nature of child development with nutrition, health and social, mental, physical, moral and emotional development, early childhood care and education will receive high priority and be suitably integrated with the integrated child development services program wherever possible. उन्होंने कहा कि बच्चे का एक संपूर्ण विकास करना है आपको, उसका सामाजिक विकास करना है, मानसिक करना है, शारीरिक करना है, नैतिक करना है, सांवेगिक करना है, तो आप क्या करिए कि ECCE को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के संग जोड़ दीजिए, इसको ICDS भी कहते हैं. प्रोग्राम्स ऑफ ECCE विल बी चाइल्ड ओरिएंटेड, फोकस्ड अराउंड प्ले एंड द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड, और फॉर्मल मेथड्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 आवर्स विल बी डिस्करेज्ड एट दिस स्टेज. कहा गया कि इस वक्त जो भी प्रोग्राम बच्चे के लिए रखे जाएं वो चाइल्ड ओरिएंटेड हो, प्ले ओरिएंटेड हो, जॉयफुल हो, और बच्चे की इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए दिए जाएं पहली बात, और कोई भी प्रकार का फॉर्मल मेथड और इंस्ट्रक्शन जिसमें कि पढ़ने लिखने और गणितीय ज्ञान की, वो इस वक्त डिस्करेज किया गया, हतोत्साहित किया गया कि आप मत दीजिए. ठीक है, अब आ जाता है आपका NEP 2020 क्या कहता है ECCE पे, जो इतना 1986 से लेके 2020 तक में ECCE का एक सेटअप बन गया हिंदुस्तान में. अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी नवीनतम है वो क्या कहती है पूर्व बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा पे, तो यहाँ पे हमने इसको CWSN के संदर्भ में लिया, मतलब इंक्लूजन के संदर्भ में लिया कि हर बच्चे को इंक्लूड करना है. ओके, ensuring the inclusion and equal participation of children with disabilities in ECCE and the schooling system will also be accorded the highest priority. ये कह रहे हैं कि children with disability, उसको कोई अयोग्यता है, कोई विसंगति है, उसका भी equal participation और inclusion आप ensure कीजिए. Children with disabilities will be enabled to fully participate in the regular schooling process from the foundational stage to higher education. फाउंडेशनल स्टेज से हायर एजुकेशन तक आप उनको फुल्ली पार्टिसिपेट कराइए. और जो आपका RPWD आया है एक्ट 2016 में, वो क्या डिफाइन करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को, एज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज लर्न टुगेदर एंड द सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज सूटेबली अडेप्टेड टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज. RPWD इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन ही ऐसे करता है कि किसी के पास कोई विसंगति है या नहीं है, सब साथ में पढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई उनकी सब उनकी आवश्यकता के हिसाब से की जाएगी, चाहे वो उनके कोई विसंगति हो या ना. दिस पॉलिसी इज इन कंप्लीट कॉन्सोनेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द RPWD एक्ट 2016 एंड इंडोर्सेस ऑल इट्स रिकमेंडेशंस विद रिगार्ड टू स्कूल एजुकेशन. यानी कि जो आपकी NEP 2020 आई है उसने RPWD एक्ट 2016 की सारी रिकमेंडेशन को अपने में समाहित किया है. While preparing the National Curricular Framework, NCERT will ensure that consultations are held with expert bodies such as National Institutes of DEPWD. उसने कहा कि जो NCERT जो National Curricular Framework बनाएगी उसमें भी इन सारी बातों का ध्यान रखेगी. To this end, schools, school complexes will be provided resources for the integration of children with disabilities, recruitment of special educators with cross-disability training and for the establishment of resource centers wherever needed. स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद सीवियर और मल्टीपल डिसेबिलिटीज. वो कह रहे हैं कि बच्चे को कोई सीवियर या मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, आप उसके लिए रिसोर्स सेंटर बनाइए, उसको जहाँ आवश्यकता है वहाँ दीजिए, उसके लिए आप स्पेशल एजुकेटर की भर्ती कीजिए. और जो नॉर्मल टीचर हो उसको भी ट्रेनिंग आप दीजिए स्पेशल एजुकेशन की. इन पर्टिकुलर असिस्टिव डिवाइसेज एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स एज वेल एज एन एडिक्वेट एंड लैंग्वेज अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स such as textbooks in accessible format such as large print and braille will be made available to help children with disabilities integrate more easily into classrooms and engage with teachers and their peers. This will apply to all school activities including arts, sports and vocational education. कह रहे हैं कि अब तो चूंकि तकनीकी का युग है तो आप तकनीकी की मदद लीजिए, जो टेक्स्ट बुक हो वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में हो, लार्ज प्रिंट में हो, ब्रेल में हो अगर बच्चे को कोई विजन इम्पेयरमेंट है, और उसको इजीली आप क्लासरूम में इंटीग्रेट कीजिए ताकि वो अपने सहपाठियों से और टीचर से अच्छे से इंटीग्रेट मिलजुल सके, हिल मिल सके, और आर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन में, ये सब में आप ये असिस्टिव डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स यूज कीजिए. NIOS will develop high quality modules to teach Indian Sign Language and to teach other basic subjects using Indian Sign Language. Adequate attention will be paid to the safety and security of children with disabilities. वो कह रहे हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत है तो उसके आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए adequate attention पे कीजिए, उसका ध्यान दीजिए, उचित ध्यान दीजिए. और NIOS को कहा गया, National Institute of Open Schooling को, कि आप Indian Sign Language में पढ़ाने के लिए मॉड्यूल बनाएं. फिर As per the RPWD Act 2016, children with benchmark disabilities shall have the choice of regular or special schooling. मतलब अगर बच्चे को ज़्यादा दिक्कत है तो उसको चुनने दीजिए कि वो regular या special schooling का हिस्सा बनना चाहता है.
Resource centers in conjunction with special educators will support the rehabilitation and educational needs of learners with severe or multiple disabilities and will assist parents or guardians in achieving high quality homeschooling and skilling for such students as needed. उन्होंने कहा कि स्पेशल एजुकेटर्स के साथ मिलकर रिसोर्स सेंटर बनाइए, रिहैबिलिटेशन बनाइए सेंटर, जिसमें जब बच्चे को ज्यादा दिक्कत है, बहुत तरीके की दिक्कतें हैं, तो वो पेरेंट और गार्जियन को भी असिस्ट कीजिए कि उसको क्वालिटी होम स्कूलिंग प्रोवाइड कर सके, उसको कोई कौशल सिखा सके अगर वो जरूरत है उसको और वो सीख सकता है. गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग शैल बी डेवलप्ड बेस्ड ऑन द ऑडिट इन लाइन विद द RPWD एक्ट 2016. उन्होंने कहा कि जो रिवाइज्ड पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है उसके हिसाब से गाइडलाइन और स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चे को होम बेस्ड स्कूलिंग प्रोवाइड की जाए. Technology based solutions will be used for the orientation of parents, caregivers, along with wide scale dissemination of learning materials to enable parents or caregivers to actively support their children's learning needs will be accorded priority. कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस उनको दीजिए, उनके पेरेंट्स और केयर गिवर्स को भी ओरिएंटेशन दीजिए कि कैसे इन बच्चों को ट्रेन करना है, कैसे इनको पढ़ाना लिखाना स्किल देनी है, और वाइड स्केल डिसमिनेशन हो लर्निंग मटेरियल का, यानी कि इनके लिए जो स्पेशल लर्निंग मटेरियल बनाया गया उसका डिसमिनेशन भी इंश्योर किया जा सके, ताकि जो पेरेंट्स हैं केयर गिवर्स हैं वो इनकी पढ़ाई लिखाई में, अगर ये होम बेस्ड स्कूलिंग इनकी होती है, इनको सपोर्ट कर सके. और क्या कहा NEP 2020 ने ECCE पे, the awareness and knowledge of how to teach children with specific disabilities will be an integral part of all teacher education programs, along with gender sensitization and sensitization towards all underrepresented groups in order to reverse their underrepresentation. कह रहे हैं कि ये कहा गया है NEP 2020 में कि जितने भी teacher education programs चल रहे हैं उन सब में जो ओरिएंटेशन हो टीचर्स का, उनको ये सिखाया जाए कि कैसे स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज के बच्चे को ट्रेन करना है, कैसे उसको शिक्षा देनी है, कैसे इसके लिए अवेयरनेस इंक्लूड करनी है. इसके साथ ही साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम भी चलाए जाएं, मतलब वो भी हिस्सा इंक्लूड हो उनकी ट्रेनिंग में, और वो सारा ग्रुप जो अंडर रिप्रेजेंटेड है समाज में उसका अंडर रिप्रेजेंटेशन रिवर्स हो जाए, मतलब कि बदल जाए और वो रिप्रेजेंट अपने आप को कर सकें, ऐसा सेंसिटाइजेशन हमको टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में देना है. Alternative forms of schools will be encouraged to preserve their traditions or alternative pedagogical styles. वो कह रहे हैं कि कुछ दूसरे तरीके का भी आप स्कूलिंग के लिए आप encourage कीजिए, कुछ दूसरी pedagogical style use कीजिए. At the same time, they will be supported to integrate the subject and learning areas prescribed by NCFSE. देखिए latest NCFSE आ गया है 2023 का, National Curricular Framework for School Education. ये कह रहे हैं कि आप इसको भी इसकी recommendation को भी अपने में include कीजिए. Into their curricula in order to reduce and eventually eliminate the underrepresentation of children from these schools in higher education. मतलब क्यों ये बच्चे higher education का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, इसको भी eliminate करने की ज़रूरत है. In particular, financial assistance will be provided to introduce science, mathematics, social studies, Hindi, English, state languages or other relevant subjects in the curriculum as may be desired by these schools. उसके अलावा वो कह रहे हैं कि आपको financial assistance भी provide की जाएगी अगर आप साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज और इन सभी सब्जेक्ट्स को करिकुलम में इंट्रोड्यूस इंक्लूड करना चाहते हैं तो. इसके अलावा क्या कहा है NEP 2020 ने कि स्टूडेंट्स विल बी सेंसिटाइज्ड थ्रू दिस न्यू स्कूल कल्चर ब्रॉट इन बाय टीचर्स, ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स एंड काउंसलर्स एज वेल एज थ्रू कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस टू ब्रिंग इन एन इंक्लूसिव स्कूल करिकुलम. यानी कि हमको पूरा इंक्लूसिव सेटअप करना है, तो जो टीचर्स कर रहे हैं या ट्रेन सोशल वर्कर कर रहे हैं या काउंसलर कर रहे हैं, तो इससे जो बच्चे जो उसमें पढ़ रहे हैं नॉर्मल बच्चे, वो भी सेंसिटाइज्ड होंगे कि ये नया स्कूल कल्चर है जो इंक्लूसिव है. द स्कूल करिकुलम विल इंक्लूड अर्ली ऑन मटीरियल ऑन ह्यूमन वैल्यूज सच एज रिस्पेक्ट फॉर ऑल पर्सन्स, एम्पैथी, टॉलरेंस, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, नॉन वायलेंस, ग्लोबल सिटीजनशिप, इंक्लूजन एंड इक्विटी. देखिए सारे टर्म्स एकदम भारी भरकम टर्म्स हैं और इनको स्कूल करिकुलम में इंक्लूड करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. आप ह्यूमन वैल्यूज सिखानी है सभी सभी व्यक्तियों के लिए, आदर भाव, सद्भावना, तद्भावना, टॉलरेंस, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वेलिटी, नॉन वायलेंस, ग्लोबल सिटीजनशिप, ये नया टर्म है, इंक्लूजन एंड इक्विटी, ये सब कुछ हमको स्कूल करिकुलम में इंक्लूड करना है. इट वुड ऑल्सो इंक्लूड मोर डिटेल्ड नॉलेज ऑफ वेरियस कल्चर्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, जेंडर एंड आइडेंटिटीज एट्सेट्रा टू सेंसिटाइज एंड डेवलप रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. बार बार बात होती है मल्टीलिंगुअलिज्म की, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी की, तो हमको अपना स्कूल कल्चर इस तरीके का बनाना है ताकि उसके में टॉलरेंस आए बच्चे के अंदर दूसरे कल्चर के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए, जेंडर आइडेंटिटीज के लिए, ये सेंसिटाइजेशन हमको शो करना है.
any biases and stereotypes in school curriculum will be removed and more material will be included that is relevant and relatable to all communities. यानी कि किसी भी तरीके का कोई पूर्वाग्रह कोई स्टीरियोटाइप हमको स्कूल करिकुलम से हटा देना होगा और इस तरीके की चीजें हमको उसमें इंक्लूड करनी होगी जो सभी कम्युनिटीज के लिए रेलेवेंट हो और रिलेट कर सके वो उससे अपने आप। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहा ECCE का, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये कंसेप्ट कब आया? हिंदुस्तान के किस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सबसे पहले मिलता है? 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मिलता है। और फिर जो आपकी NEP 2020 है वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के संदर्भ में बात करती है ECCE का, यानी कि हम फाउंडेशनल स्टेज से उनको लेकर चलेंगे और इंक्लूसिव सेटअप प्रदान करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। डन फ्रॉम माई साइड।